मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोकल ट्रेन चालू होते ही इस लोकल ट्रेन में एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला चढ़ने की कोशिश करती है, मगर तभी उस महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और ये महिला गिर जाती है। हालांकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में ये महिला जाते जाते इसलिए बच गई क्योंकि मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ की कांस्टेबल सपना गोलकर ने दौड़कर इस महिला को बचा लिया। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि ये घटना मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन की है। गुरुवार की दोपहर के वक्त बदलापुर जाने वाली लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी और फिर जैसे ही ये लोकल ट्रेन आगे बढ़ी, उसी दौरान ये 50 वर्षीय महिला चालू होने वाली इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी और उसका पैर फिसल गया। मगर गनीमत रही कि आरपीएफ की कांस्टेबल सपना गोलकर ने जिस तरह से इस 50 वर्षीय महिला की जान बचाई, सोशल मीडिया में सपना की काफ़ी तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि इस तरह से मुंबई लोकल ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान कई लोगों की जान आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने बचाई है। ऐसे में आम आदमी जो लोकल ट्रेन और बस में यात्रा करते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो चलती हुई लोकल ट्रेन या बसों में ना उतरने की कोशिश करें और ना ही चढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।